नमस्कार दोस्तों, रिप्रेजेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं इस चैनल में आपको मोबाइल ट्रेनिंग के बारे में हर एक जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो को देखें और वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें और उसमें बताई गई बातों को समझने की कोशिश करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको उस हर एक बात को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में मैं आपको बैटरी रिपेयर मोबाइल की कोई भी मोबाइल अगर बैटरी से स्टार्ट नहीं हो रही है तो कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं एक मोबाइल का बैटरी मेरे हाथ में है। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल का बैटरी का वोल्टेज 3.7 होता है, तो ये बैटरी से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो चलिए देखते हैं इसका बैटरी कितने इसमें कितना वोल्ट है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट में सेट कर लें, सेट करने के बाद चेक करें तो मल्टीमीटर में आप देख पा रहे होंगे इसमें का वोल्टेज 2.73 वोल्ट है। तो इसमें होना चाहिए 3.7, लेकिन वोल्टेज अभी 2.73 दिख रहा है, तो इसका मतलब बैटरी का वोल्टेज डाउन हो चुका है। तो इस तरह को बैटरी को आप मोबाइल में रख के चार्ज करें फिर भी चार्ज नहीं होता है, फुल चार्ज नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप इसको बूस्ट करना पड़ेगा। तो बूस्ट करने के लिए ऐसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए। एक्सटर्नल पावर सप्लाई को आप यहाँ से लगभग 8 वोल्ट में सेट कर लेना है, 8 के करीब वोल्टेज में सेट करके और उसकी बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करना है। तो इसको बैटरी बूस्टिंग बोलते हैं। तो चार्ज जब भी चार्ज करें तो इसका प्लस और माइनस पिन मिलना चाहिए, अपोजिट कभी ना जोड़े। जैसे इसके रेड तार को आप प्लस पिन में जोड़ लें और ब्लैक को माइनस पिन में जोड़ लें, तो इसे चार्ज करें। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, बैटरी चार्ज हो रहा है और इसका स्क्रीन में भी देखिए आप, जैसे जब भी वो डीसी सप्लाई का चार्ज बैटरी में जा रहा होता है तो एम्पियर का सुई अप डाउन होता है, तो एम्पियर का सुई अप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। इसको कुछ वक्त तक चार्ज करें, लगातार चार्ज नहीं करें, एक दो मिनट तक चार्ज करने के बाद स्टॉप कर ले और फिर चार्ज करें। कंटिन्यू चार्ज करने से बैटरी डैमेज हो सकता है, तो बीच बीच में इसको चार्जिंग को स्टॉप करते रहें। इसको 5 से 10 बार चार्ज करने के बाद इसका वोल्टेज चेक करें, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो ठीक, नहीं तो वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है तो बैटरी ख़राब हो चुका होता है और वैसे बैटरी को आप रिप्लेस करने में ही आपको रिप्लेस करना ही बेहतर होगा। तो पहले इसको देखते हैं भाई वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ गया तो इसको 3.7 तक इसका वोल्टेज बूस्ट करके और फिर मोबाइल में रख के इसको फुल चार्ज करना होता है। तो चलिए एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी इसका वोल्टेज बढ़ा कि नहीं देखते हैं, 2.77, तो अभी उतना वोल्टेज नहीं बढ़ पा रहा है। इसको थोड़ा और चार्ज करते हैं और थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा करके चार्ज करते हैं, जैसे 10 वोल्टेज के करीब रख के इसको चार्ज करते हैं। इसको चार्ज करें दोस्तों, जब तक इसका वोल्टेज 3.7 नहीं हो जाए तब तक इसको चार्ज करना होता है, और चार्ज करने के बाद आप इसको मोबाइल में रख के फिर से चार्ज करना होता है। इस तरह बैटरी बूस्ट करने के लिए आपको आपके पास एक
ऐसे ही पावर सप्लाई होना चाहिए, इसको डीसी पावर, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई बोलते हैं। इससे आप वोल्टेज 15 वोल्ट तक ले सकते हैं और 1 एम्पियर तक का करंट इसमें सप्लाई होता है। तो इसका टोटल पावर हो गया 15 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 15 वाट का ये पावर सप्लाई है। अब इस पावर सप्लाई से आप लैपटॉप को या किसी बड़े पावर से चलने वाले डिवाइस को नहीं चला सकते दोस्तों, ये सिर्फ मोबाइल के लिए है। तो इससे दूसरा कोई 15 वाट 10 वाट से 10-12 वाट से ज़्यादा पावर वाले चीज़ को कभी ना चलाए, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर सिर्फ 15 वाट है। क्योंकि पावर का मतलब होता है वोल्टेज इंटू करेंट, तो इसका वोल्टेज 15 है, करेंट 1 है, तो इसका टोटल पावर 15 इंटू 1 करके 15 वाट हो गया। तो 15 वाट से ज़्यादा के लोड के नहीं चला पाएगा। तो 15 वाट से कम मतलब 12-13-14 इतना तक मैक्सिमम आप चला सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं दे, 10 तक आप सेफली, 10 वाट तक के बैटरी को या किसी भी लोड को आप सेफली इससे चला सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार और बैटरी को चेक करते हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो ठीक, नहीं तो जैसे वोल्टेज बढ़ के आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका वोल्टेज बढ़ के 2.82 हो चुका है। तो वोल्टेज बढ़ रहा है, तो दोस्तों इसको जब तक ये 3.7 ना हो जाए तब तक इसको चार्ज करना है, और 3.7 हो जाने के बाद इसको मोबाइल में रख के फिर से चार्ज करना है, और उसके बाद ये नॉर्मल काम करने लगेगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस था बैटरी का वोल्टेज बूस्ट करने का। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लगभग 30 से 45 मिनट भी लग सकता है। तो आप बूस्ट करके देखिए, कोई भी बैटरी से अगर मोबाइल चल नहीं रही हो तो उसके एक बार बूस्ट करके उसको अच्छी तरह से फुल चार्ज करके फिर मोबाइल को चला कर देखे, और फिर भी नहीं चली तो बैटरी को रिप्लेस कर दे, क्योंकि बूस्ट करने के बाद भी अगर कोई बैटरी काम नहीं कर रही है तो उसका अंदर का केमिकल डैमेज हो चुका होता है, और जिसका केमिकल डैमेज हो चुका होता है उसी बैटरी को आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह की बैटरी को चेंज करने में ही भलाई होगी। तो दोस्तों ये था प्रोसेस बैटरी को बूस्ट करने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको मोबाइल के अंदर की सारी पार्ट्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें जितनी भी वीडियो है वो सब में आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। तो सभी वीडियो को अच्छी तरह देखें, एक बार से ज़्यादा अगर 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सकता है उतना बार आप देखें, और वीडियो देखने के बाद अगर कोई बातें आपके समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे क्वेश्चन करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था बैटरी को बूस्ट करने का तरीका। जैसे किसी भी बैटरी का आप इसका एवरेज वोल्टेज 3.7 होता है, तो आप बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद भी इसका वोल्टेज इससे थोड़ा कम, जैसे 3.5 या 4 तक हो सकता है। तो और चार्ज फुल चार्ज होने के बाद ये 3.7 से ऊपर यानी कि 4.2 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उतना वोल्टेज अगर बैटरी शो कर रहा है तो बैटरी को ओके मानते हैं, लेकिन उससे अगर वोल्टेज कम हो गया तो बैटरी का वोल्टेज डाउन हो चुका होता है, और उस तरह की बैटरी मोबाइल को ऑन नहीं कर पाता है क्योंकि इसका पावर डाउन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिमिटेड चार्ज वोल्टेज 4.2, तो ये हो गया मतलब इसको बैटरी को चार्ज करते वक्त आप इसको 4.2 वोल्ट तक देखकर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर बैटरी डैमेज हो चुका है तो इतना वोल्टेज से आप चार्ज करेंगे तो ये वोल्टेज ये चार्ज नहीं ले पाएगी। तो इस कंडीशन में आपको ऐसी पावर सप्लाई यूज़ करके और वोल्टेज को 8 से लेके 12 के रेंज में रख के वोल्टेज बैटरी को चार्ज करना होता है, जिसको बैटरी बूस्टिंग कहते हैं। और बूस्टिंग करने के बाद अगर बैटरी काम नहीं करे तो उस कंडीशन में आप इस बैटरी को रिप्लेस कर दें। तो ये था प्रोसेस बैटरी के बारे में बहुत सारी जानकारी है। आपको
वोल्टेज देते वक्त कभी भी प्लस और माइनस पिन में ही वोल्टेज दे, बीच के पिन में कभी ना जोड़े। और माइनस में आप जब भी ब्लैक वायर को जोड़ना है, प्लस में रेड वायर को जोड़ना है, तो इस तरह कनेक्शन करें। चेक करते वक्त आप उल्टा भी चेक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रीडिंग नेगेटिव आएगी। लेकिन बैटरी में वोल्टेज देते वक्त आपको सिर्फ उल्टा ही जोड़ना है, जैसे प्लस में रेड और माइनस में ब्लैक ही जोड़ना है। उल्टा जोड़ेंगे तो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी से वोल्टेज लेना शुरू कर देगी, तो बैटरी डैमेज हो जाएगी। तो दोस्तों ये था बैटरी बूस्टिंग करने का टोटल प्रोसेस। आपको अच्छी और अच्छी जानकारियाँ देने के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं मोबाइल की सारी पार्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा, और उस पार्ट्स और पार्ट्स को कैसे रिपेयर करते हैं, मोबाइल को कैसे असेंबल डिसेंबल करते हैं, पार्ट्स को कैसे रिप्लेस करना है और पार्ट्स को कैसे चेक करना है, उसके बारे में ढेर सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।